आज पर्यावरण की सुरक्षा मानव की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, क्योंकि जीवन का अस्तित्व ही पर्यावरण पर आधारित है। और इसी क्रम में कचरे की रिसाइकलिंग से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने का बिजनेस आजकल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सही सोच, समझ और रणनीति से हम कचरे को भी सोना बना सकते हैं, उसका सही उपयोग करके। आजकल छोटी बड़ी कई दुकानों में विबिन मीन्स वैल्यू बिन का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन बिन में ये दुकानदार सिगरेट का कचरा इकट्ठा करते हैं। आप में से बहुत से लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, और जो नहीं करते वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ा हैरान होंगे ये बात सुनकर। दरअसल सिगरेट बट्स का इस्तेमाल आप अपने सोने वाले तकिए, गद्दे, कुशन, टेडी, खिलौने, प्लास्टिक की कुर्सियां इत्यादि में करते हैं, और इन सब उत्पादों का निर्माण सिगरेट के कचरे को रिसाइकल करके किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं, एक छोटे से सिगरेट बट को डिकम्पोज होने में 10 साल का वक्त लगता है। बट्स में ऊपर तो कागज होता है, लेकिन फिल्टर वाला हिस्सा सेल्यूलोज एसिटेट होता है। आसान भाषा में कहें तो पॉलीमर या फाइबर मटेरियल का बना होता है। इसी हिस्से को डिकम्पोज होने में 10 साल का वक्त लगता है। 1 किलो सिगरेट वेस्ट में करीब 3,000 सिगरेट बट आते हैं, और भारत में हर साल करीब 3 करोड़ टन सिगरेट वेस्ट निकलता है। जरा सोचिए, इतने सिगरेट बट्स को डिकम्पोज होने में कितना वक्त लगेगा। ये सिगरेट बट्स समस्या बन गई थी, लेकिन दिल्ली के एक युवक नमन जी ने सिगरेट के कचरे को रिसाइकल करने का एक तरीका खोज लिया है। क्या है ये सिगरेट बड? जो ये सिगरेट बड है, जो लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने के बाद जो बचता है फिल्टर, उसको माइंडलेसली रोड पे या जमीन पे फेंक देते हैं, तो हमारी कंपनी एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिससे आप वो सिगरेट बड्स को हम कलेक्ट करते हैं, उसको हमारी फैक्ट्री जो नोएडा में बेस्ड है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, उसमें हम ये जो सिगरेट बड्स हैं उसको हम 100% ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद बहुत ही खूबसूरत आज की डेट में 300 से 400 डिजाइंस अलग अलग कैटेगरीज के बनाते हैं। दरअसल नमन जी अपने छात्र जीवन में हॉस्टल में दोस्तों को सिगरेट पीता देख और सिगरेट के कचरे को जहां तहां फेंकता देख दुखी हो जाया करते थे कि ये लोग खुद को और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमन गुप्ता जी ने सिगरेट बट से एक दिलचस्प बिजनेस मॉडल तैयार किया है। करीब 4 महीने तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने जाना कि किस तरह इसे रिसाइकिल करके इससे बायो प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। 2018 में इन्होंने कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद सिगरेट के कचरों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। दिल्ली एनसीआर की कई दुकानों में वीबिन यानी वैल्यू बिन के डिब्बे रखने शुरू किए, जिसमें ये लोग सिगरेट के कचरे रखते हैं। फिर ये इनसे सप्ताह के अंत में जमा किए गए सिगरेट का कचरा खरीदते हैं। फिर सिगरेट के इन कचरों को रिसाइकिल करके इसमें मौजूद तंबाकू और कागज से ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है। सिगरेट बट्स के पेपर और फाइबर को अलग करके पेपर से मॉस्किटो रेपेलेंट बनाते हैं, और फाइबर से पिलो, कुशन, टेडी, की चेन बनाते हैं। आगे चलकर बड़े पैमाने पर सिगरेट बट्स में मौजूद पॉलीमर से चिमनियों से निकलने वाले धुएं को प्योरीफाई करने के लिए एयर प्योरीफायर और सिगरेट की राख से फ्लाई एश ब्रिक बनाने की इनकी योजना है। इस वेस्ट की प्रोसेसिंग में सिगरेट बट्स से पेपर कवरिंग को रिमूव कराया जाता है, फिर इसका पल्प बनाकर उसमें ऑर्गेनिक बाइंडर मिक्स करते हैं। इससे मॉस्किटो रेपेलेंट कार्ड बनाते हैं, जिसे जलाने से मच्छर नहीं आते। इसके अलावा सिगरेट बट्स से निकलने वाले फाइबर मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक केमिकल से ट्रीट किया जाता है। इस मटेरियल को 24 से 36 घंटे तक केमिकल से ट्रीट किया जाता है, फिर इसे निकालकर पानी से वॉश करते हैं, फिर सुखाकर इससे सॉफ्ट टॉयज, पिलो, कुशन, टेडी, की चेन आदि बनाते हैं। नमन जी ने सिगरेट वेस्ट कलेक्शन के 3 मॉडल बनाए हैं, जिससे इनके पास 12 राज्यों से हर महीने 2,500 किलो सिगरेट वेस्ट आता है। इसमें पहले मॉडल में रैक पिकर्स और अनएम्प्लॉयड वॉलंटियर्स से सिगरेट बट्स के कलेक्शन का काम कराया जाता है। इसके एवज में उन्हें बेसिक इंसेंटिव दिया जाता है। दूसरे मॉडल के तहत इस कंपनी ने नोएडा,
दिल्ली और गुड़गांव के बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के स्मोकिंग रूम और इन शहरों के टी शॉप्स और सिगरेट शॉप्स पर वैल्यू बिन विबिन उपलब्ध कराए हैं। इन बिन को टीम मेंबर्स हर 15 दिनों में खाली करके सिगरेट बट्स इकट्ठा करते हैं। वेस्ट कलेक्शन के तीसरे मॉडल के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद वेंडर्स के जरिए सिगरेट बट्स कलेक्ट करवाई जाती है। इन तीनों मॉडल से हर महीने औसत करीब 2500 किलो सिगरेट वेस्ट आता है। इसकी क्वालिटी के अनुसार वेंडर्स को 500 से 800 रुपए प्रति किलो की दर से भुगतान भी किया जाता है। इस काम से करीब 1000 लोग जुड़े हैं। इसके जरिए नमन करीब 40 महिलाओं को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। सिगरेट बट रिसाइकलिंग की पहल कनाडा, अमेरिका, स्पेन और यूरोप में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां सिगरेट के बचे हुए बट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक के सामान बनाने में किया जाता है। बट्स का वो हिस्सा जिसमें फिल्टर होता है उसे पिघलाया जाता है। फिल्टर वाला ये हिस्सा सेल्यूलोज एसिटेट का बना होता है। पिघले हुए इस हिस्से से प्लास्टिक बनता है। एक एस्ट्रे बनाने में लगभग 100 से 200 बट्स लगते हैं, जबकि करीब 2 लाख बट्स से एक कुर्सी बन जाती है। सिगरेट बट्स से बिजनेस का आइडिया काफी कामयाब हो रहा है। ये वाकई कमाल है। कभी कभी छोटे आइडिया भी आपको बड़ा बना देते हैं। कचरे से भी आप अपने हुनर के जरिए कमाल कर सकते हैं और अपने देश के पर्यावरण को नष्ट होने से सुरक्षित कर सकते हैं। द करेजियस स्ट्रगल फॉर अ नोबल कॉज शुड बी कंसिडर्ड सक्सेस इटसेल्फ।